उसी बात को आगे बढ़ा रहे हैं जो 72वीं गाथा में कही है कि पुण्य पाप को अलग कहने का क्या मतलब है। पुण्य के उदय वाले भी दुखी हैं और पाप के उदय वाले भी दुखी हैं। माने पुण्य के उदय वाले को सब अनुकूल भोगों की प्राप्ति है और पाप के उदय वालों को वो अनुकूल भोगों की प्राप्ति कम है। आखिरकार वे दोनों उन्हीं की तरफ तो दौड़ रहे हैं, तो वो कम है कि ज्यादा है उससे क्या फर्क पड़ता है। आखिर उन दोनों की वृत्ति और प्रवृत्ति तो एक सी ही रही ना। अमीर से अमीर व्यक्ति जिस प्रकार 5 इंद्रिय के भोगों को भोगता है, गरीब से गरीब व्यक्ति भी उसी प्रकार उन 5 इंद्रिय के भोगों को भोगता है। क्या मतलब कि 5 इंद्रियों के भोगों के साथ में 2 चीजें हैं ना। एक वो हमारी शरीर की आवश्यकता भी है, जैसे भोजन नहीं करें तो जीवन नहीं रहता है ना। अब वही भोजन स्वादिष्ट लगता है तो भोजन तो वो हरेक को करना ही पड़ेगा ना, चाहे उसके मन के अनुकूल नहीं मिले चाहे मिले। संपन्न वाले को बहुत उसकी इच्छा के अनुकूल बढ़िया से बढ़िया भोजन प्राप्त हो जाएगा। गरीब आदमी घास से घास को भी खाएगा तो अभी उसका स्वाद तो आएगा ना, वो भी बिल्कुल बेस्वाद तो नहीं होती है ना, और उसको स्वाद लिए बिना थोड़ी रह जाता है। यानी 5 अब ऐसे ही 5 इंद्रियों में लगाओ, चक्रवर्ती है वो, 96,000 पत्नियां, देवों के देह हो, एक से एक सुंदर और खूबसूरत, दुनिया भर की बातें होंगी लेकिन एक बिल्कुल शहरिया के लिए जैसी भी काली कलूटी जैसी भी जो है वो एक पत्नी तो है। और इस प्रसन्नेंद्री का विषय तो ये दोनों एक से ही भोगते हैं ना। अब जब कहते हुए दोनों ही एक से भोगते हैं तो पुण्य पाप में फर्क क्या है। ये भी एक तरीके से उस गरीबों को एक समझाने की बात भी है। आखिरकार उनकी वृत्ति और प्रवृत्ति भी उन्हीं 5 इंद्रियों के विषयों की तरफ दौड़ने की है। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि जैसे अपने यहाँ पर नेपाली लोग आकर रह रहे हैं, भोजनालय में तुम्हारे भोजन बनाते हैं, तो उन लोग अपना घर छोड़ छाड़ करके यहाँ पर पढ़ने के लिए रह रहे, वेद उन्हें तो पढ़ तो नहीं रहे, सिर्फ आजीविका के लिए उन्हें यहाँ रहना पड़ रहा है। और तुम तो माँ बाप को छोड़ के आए, वे तो अपने पत्नी और बच्चों को भी छोड़ के आए, शादी करके और फिर 5-5, 10-10 साल से यही है, उनकी पत्नियां वही हैं, और 2 साल में 1 महीना गुजारते होंगे, आते होंगे, रहते होंगे, फिर वो यही रहते हैं। लेकिन मतलब इस तरह की उपलब्धि अनुपलब्धि होने पर भी अंत तो वृत्ति तो उधर ही दोनों की जाती है ना। वो जिसे अपन सुख कहते हैं लोक में, वो सुख तो उसी को सबने मान रखा है और उसी की तरफ अपने वृत्तियों को दौड़ाते हैं। तो यही बातें इस बात में वो कह रहे हैं। अब क्योंकि अपने चक्रवर्ती और इंद्र इनको लोक में सर्वमान्य सुखी, मन सुख यदि सुख है संसार में तो हम इन्हीं को अधिक से अधिक सुखी मानेंगे। यदि ये भी यदि हम किसी तरीके से हमारे गले ये बात उतर जाए कि ये भी सुखी नहीं है, तो फिर हमको संसार में सुख नहीं है ये समझाने में दिक्कत नहीं होगी। अभी दिक्कत तो यही है कि हम समझते हैं कि हमें सब प्रकार की अनुकूलताएं प्राप्त नहीं है, इसलिए हम सुखी नहीं हैं। यदि वो अनुकूलताएं प्राप्त हो जाए, हो जावे कभी, तो हमको कि होती हमें तो हमें हम भी सुखी होते। तो अब वो जो सुखी जिसको हमने सुख की कल्पना कर रखी है वो हमें देखने का अवसर नहीं है, क्योंकि वो हमारे हाथ में तो है नहीं। ऐसे प्राप्त हो जाना, हर एक आदमी
चक्रवर्ती तो हो नहीं जाएगा। 10 कोड़ा कोड़ी सागर में सिर्फ 12 चक्रवर्ती होंगे, और ये समस्या तो हरेक की है। हरेक आदमी ये कहे कि चक्रवर्तित्व में सुख है कि नहीं सुख है, ये मैं तब मानूंगा जब मैं चक्रवर्ती होके देख लूंगा। तो वो इतने अरबों अरबों लोगों में वो 12 ही होने हैं, और 12 भी इतने लंबे पीरियड में, तो उसमें बहुत सा काल तो ऐसा जाएगा कि जब चक्रवर्ती होंगे ही नहीं। आदिनाथ से अजितनाथ का काल, पहले चक्रवर्ती से दूसरे चक्रवर्ती का काल, वो सागरों है। ये बाद के जल्दी जल्दी हो गए पार्श्वनाथ नेमिनाथ महावीर, और शुरू शुरू के तीर्थंकरों के मैं वियोग का काल बहुत लंबा है। तो जिन पदों को हमने ऐसा मान रखा है कि हम इन पे एक दफे जा करके देख लें, तो जैसे कहेंगे प्रधानमंत्री पद है कि राष्ट्रपति पद, तो हिंदुस्तान में 125 अरब लोगों में एक ही है ना। अब दो भाई बाप बेटा ऐसे है ना इनमें सब में, जैसे जब तक इंदिरा गांधी का पुण्य का उदय था तक प्रधानमंत्री का, तब तक राजीव गांधी तो प्रधानमंत्री नहीं बन सकता था ना, पर राजीव गांधी का समय आ गया तो उसे मरना ही पड़ा ना। मेरे कहने का मतलब यह है कि जैसे अनेक भाई होंगे तो बाप बेटे भी बराबरी के हो जाते हैं, और अभी 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 हो जाते हैं, पहले तो बहुत ही ज्यादा होते थे, हजारों वर्ष तक जिंदा रहते थे और बेटे भी हजारों वर्ष के हो जाते थे, तीन तीन चार चार पीढ़ियां वे बेटों की भी गुजर जाती थी, और बाप भी चलते रहते थे, बेटे भी और पोते भी सब चलते रहते थे, है ना। तो इसलिए अब वे सब घर के यदि ये पद मेरे को मिल जाए तो मैं सुखी होऊंगा, तो वो अपने ही लोग प्रतिद्वंदी हो गए ना भाई। तो मतलब मैं कह रहा हूं कि 4 अरबों में से एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है कि जिसकी धारा उधर को नहीं हो, गरीब से गरीब और अमीर से अमीर की, कि वो उन 5 इंद्रियों के विषयों की तरफ ही भूखता है। अब अपन कहेंगे नहीं छोड़ दें 5 इंद्रियों के विषय बिल्कुल, तो मुनिराज नंद कमर हो गए, घर से निकल गए, रोटी तो खानी ही पड़ती है, रोटी खाते होंगे तो स्वाद भी आता ही होगा। ऐसा तो नहीं कि घी वाली रोटी खाएंगे तो स्वाद आएगा और बिना घी वाली खाएंगे तो स्वाद नहीं आएगा। अब हम तो बिना घी की खाते हैं 20 वर्ष से, तो कभी कोई घी लगा देवे ना और उसका एक कोर खाना पड़े तो हिचकी आती है, ऐसा लगता है वोमिटिंग हो जाएगी। मतलब जिस चीज की आदत पड़ जाती है बस वही चीज अच्छी लगने लगती है। मेरे कहने का मतलब कि गरीब लोग जितना से इतना रद्दी चीज खाते होंगे उन्हें उसमें ही मजा तो आता ही है। अब ये कहना चाहते हैं कि सब नीचे से ऊपर एक ही रास्ते पर जा रहे हैं, तो कोई काय के पुण्यवान और काय के पापवान, ऐसा भेद करने से फायदा क्या। यह ना पढ़ो कुल सुधरा परिणाम समोपानी बिहारी जय।
कि अभी तुम कुछ भी कहो, आखिर ये हमको चक्रवर्ती हैं, इंद्र हैं, और ये बहुत बड़े बड़े पैसे वाले हैं, ये सुखी जैसे तो लगते हैं। बिल्कुल यही भाषा है ना, देखो, वज्रधर और चक्रधर सब पुण्य फल को भोगते, देहादि की वृद्धि करें पर सुखी हों ऐसे लगे। मानो अपनी फीलिंग बता रहा, एक समझो शिष्य है, वो अपनी फीलिंग बता रहे हैं। जब आप हमको इतना समझा रहे हैं, सब बात है, लेकिन हमको ये सुखी जैसे लगते तो हैं, लगा ना क्लियर। फिर वो उत्तर, ये उत्तर है दूसरी गाथा में, कि स्वभाव से उत्पन्न विध विध पुण्य यदि विद्यमान है, यानी वे सुखी लगते हैं, तो इसका मतलब है कि उनके पुण्य का उदय है। और जो लोग सुखी नहीं लगते हैं, इसका मतलब उनके पाप का उदय है। तो इसका अर्थ ये हुआ कि वे कह रहे थे कि पुण्य पाप अलग अलग हैं, ये हमको नहीं लगता, कहा था ना पिछली गाथा में। तो वे कहता है कि फिर तो लगते हैं ना। माने यदि आदमी दो तरह के हमें दिखाई दे रहे हैं, तो पुण्य पाप फिर हैं अवश्य। तो वो कहते हैं मान लेते हैं कि हैं, क्योंकि वो तो हमने जितने तरह की चीजें देनी थी सब दे दी, और उसके बाद भी कहता हमें तो ऐसा लगता है, हमें तो ऐसा लगता है क्या। तो वो कहते हैं तुम्हें ऐसे लगते हैं तो बताओ क्या मिलता है इससे। पुण्य यदि विद्वान है तो वे सभी सुरलोक में विशेषणा पैदा करें, पुण्य की सामग्री से चारों तरफ भोगी सामग्री विद्यमान है, तो उन्हें देख देख के उनमें पांच इंद्रियों के विषयों के भोगने की इच्छा ही तो पैदा होती है। उनने कौन सा कमाल कर दिया, इसके लिए मैं पहले उदाहरण दिया था बहुत दिन पहले, कि अपने अपने घरों में क्या क्या तरक्की कर ली, कि सब डाइनिंग टेबल ये सब बना लिया कि नहीं बना लिया। जब मैं यहाँ आया था तो ये डाइनिंग टेबल लाए थे हम खरीद के, तो हमारे उधर इसके लोग आए तो वे हमसे पूछते थे इस टेबल पे आप क्या करते हैं। तो हमने कहा खाना खाते हैं बैठ के। तो उन्होंने अपनी पत्नी को बोला सुनो ये टेबल अकेली दिन में एक दफे रोटी खावे के नाम है और कुछ काम नहीं। माने उनको ये बहुत अटपटा लगता था, क्या कि एक टेबल सिर्फ दिन भर पड़ी रहे और वो हजारों रुपए की आए और उसमें सिर्फ एक टाइम बैठ के रोटी खा ले। और वो लोग साधारण नहीं थे, वो करोड़पति लोग थे, वो संस्कार वो इंटीरियर के थे ना, तो संस्कार उसमें ऐसी इस काम में इतने से छोटे से काम के लिए इतना ये करना। और तब से तो कितनी तरक्की कर ली हमने कि गुजरात में जाके आप देखो तो जितनी भी डाइनिंग टेबल होंगी उनके बीच में टेबल में एक टेबल होती है, वो घूमती है। एक टेबल अपनी थाली रख लेना इतनी तो स्थिर रहती है, फिर एक टेबल ऐसी होती है तो उसमें सारी भोग सामग्री रखी रहती है, और फिर वो घूमती है और उसमें हर एक में विभिन्न प्रकार की मिठाइयाँ, विभिन्न प्रकार के नमकीन और बहुत बढ़िया बढ़िया चीजें जो भी वे लोग खाते हैं वो सब रखे रहते हैं, और वो कांच की बरनी में। माने हमें बाहर से दिखना चाहिए, हमें ऐसे खोल के नहीं देखना पड़े क्या, हमको एक एक चीज दिखनी चाहिए। और फिर हमें क्या चाहिए तो हम इसके टेबल को घुमाएंगे और वो चीज हमारे सामने आ जाएगी, हम उसमें से निकाल के अपनी थाली में रख लेंगे, उसे आगे बढ़ा देंगे। तो वो सारी सामग्री हमने उसमें इकट्ठी अपने सामने रख ली और हमें दिखना चाहिए। पहले के जमाने में ऐसा भी हमने देखा है कि घर में से पूरी थाली परोस के महिलाएं ले आती थी और वो जाकर के पुरुष के सामने बाहर रख देती थी कि बस खाओ। वे कोई पूछती नहीं थी कि तुम्हें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए,
जो वे उचित समझती थी वो रख देती थी, और जो जितना रखना होता था उतना रख देती थी, और हम सब चुपचाप खा लेते थे, किसी को कोई विकल्प नहीं आता था। तो उसको भी स्वाद लेके तो खाते ही थे ना। अब तो ये कि हर चीज, तो कहते हमारे इतने पुण्य का उदय, इस गाथा का अर्थ कर रहा हूं, हमारे इतने पुण्य का उदय आ गया कि वो डाइनिंग टेबल ही नहीं आई, उसके सामने वो भी आ गई कि वो हर कांच की बर्नी में सब पकवान रखे हुए हैं, नमकीन रखे हुए हैं, स्वादिष्ट सब चीजें, सब तरह के फल रखे हुए हैं, डलिया में बने कटे कटाए रखे हैं सब तरह के से, और आप बिना हिले बस अपने सामने ला करके उनमें से जितने चाहो उतने उठा लो। ऐसा नहीं कोई तुम्हें रखेगा इतने नहीं है भाई थोड़े थोड़े लो, ऐसा कोई कहने वाला नहीं है। कितनी अधिक सुविधा हो गई। तो ये कह रहे वो कि बज्रधर और चक्रधर उनकी देखो तो उन्हें कितनी सुविधा हो गई है, ये पांच इंद्रियों की भोग सामग्री की उन्हें कितनी सुविधा हो गई है। तो आचार्य का जवाब सुनो, तो इस सुविधा से हुआ क्या, तुम उस डाइनिंग टेबल पे बैठ गए और एक एक चीज तुमने देखी, तो उस चीज ने तुम्हें खाने के लिए आकर्षित ही तो किया, तुम्हें विशेष सुनाई तो पैदा की। ऐसी बहुत चीजें हैं कि यदि वो हमें दिखाई नहीं दें तो महीनों तक उसे हमें खाने की इच्छा ही नहीं। दिखाई देती है तो इच्छा होती है ना, यदि दिखाई नहीं दें तो महीनों तक उस चीज की खाने की हमारी इच्छा नहीं हो, जो हम सादा सा भोजन रोजाना करते हैं करते कर लेंगे। तो वो कहते देखो, शुभ भाव से उत्पन्न विधि विध पुण्य यदि विद्यमान हैं तो वे सभी सुरलोक में विशेषणा पैदा करें, के पांच इंद्रियों के विषय भोगने की इच्छा तुम्हारे अंदर पैदा करेंगे। और वो इच्छा क्या है, दुख। तो उन्हें दुख ही तो पैदा किया, तो 32 देवांगनाएं तो कम से कम होंगी और सामने नाचेंगी और तो चिल्लो तुमा फलानी उत्तमा तुम अपने कौन है नीलांजना, एक से एक होशियार, एक से एक सुंदर है, और फिर रोजाना आपको नाच नाच के आपका मनोरंजन करेंगी, तो क्या करेंगी। आपके हृदय में विशेषणा ही तो पैदा करेंगी। एक उदाहरण और देता था हमें बहुत अच्छा, एक किसी महिला ने बहुत नृत्य कला का अभ्यास किया, वो सुंदर भी बहुत थी और नृत्य कला का अभ्यास किया, तो नृत्य कला के लिए जो विशिष्ट ड्रेस पहननी पड़ती है वो जैसी एकदम इतनी ऐसी आकर्षक कि मुझे उसमें अधिक से अधिक सुंदर लगे, और फिर वो नाचती, तो वो नाचती तो जितने भी लोग वहां बैठने को देखते तो सबके हृदय में उसको छूने का, उसे हाथ मिलाने की इच्छा होती। तो ये संभव है, ये परमिशन किसी को दी जा सकती है। कोई लाखों रुपया भी देने की बात करे तो उसको ये सुविधा दी जा सकती है। आज तक तो विश्व में कभी किसी को ये सुविधा प्राप्त हुई नहीं। तो फिर लोग कहते हम क्या करें, हमें तो तीव्र इच्छा होती है कि हम उसके हाथ मिलाएं, उसे छू कर देखें। तो वे कहते कि नहीं, छू नहीं सकती, तो कि तुम नाच बाना बंद कर दो, हम नहीं देखेंगे और हमें इच्छा नहीं होगी। वो जवाब ना, तो लोग कहते हैं वो क्यों कर दें बंद। उस महिला ने कितनी तपस्या की, मतलब सारी गृहस्थी में तुम खाने पीने में सब बातों में लगे रहे, पर उसने अपनी मन की मन को तोड़ तोड़ करके रूखा रूखा खा करके अपने शरीर को इतना गठीला रखा, दुबला पतला रखा, नहीं तो ये इस जो डाइनिंग टेबल पर बैठ बैठ के जो विशेषणा पैदा करती हैं एकदम मोटे ताजे होते जाते कि नहीं, महिलाएं भी और पुरुष भी बेडोल हो जाते कि नहीं हो जाते। तो उसने लाखों करोड़ों रुपया कमाए
ये जितने ये एक्टर्स हैं जो भी है नाचने वाली जो भी, और वे अपने शरीर को मेंटेन नहीं रखें तो काम नहीं मिले। देखो काय के लिए, खाने पीने के लिए पैसा कमाना है? पांच दिन के भोगों के लिए पैसा कमाना। अब वे खा भी पी नहीं सकती हैं, मोटे हो जाएंगे, शादी भी नहीं कर सकती हैं, क्योंकि शादी करते ही फिर वो काम नहीं देते हैं जो वो काम करती है ना, कोई महिला वो क्या एक्टर बनती, क्या बोलते उसे आप, हीरोइन, तो उस हीरोइन का काम नहीं मिलता है उसे, इसलिए शादी नहीं कर सकते। गुपचुप कर भी लें तो वर्षों तक बताएं नहीं किसी को कि हमने शादी कर ली। तो जिन पांच इंद्रियों के विषयों के लिए वो ये सब करती हैं, वे सब उनको छोड़ने पड़ते हैं। हम देख रहे हैं ना सुख का स्वरूप, और उन्हें देख देख कर जितने लोग हैं उनको भी विशेषणा पैदा होती है। तो वे कहते नहीं नहीं दिखाते हैं, बंद कर दो, नहीं तो हमें इच्छा होती है इसलिए मिलने की। कहते नहीं वो तो दिखाएगी, क्योंकि उसने तो कितनी मेहनत करके कितना त्याग करके अपनी एक कला पैदा की है, और तुम कहते हो कि हम तो हमें हाथ छूने दो और नहीं कर हमें तुम काम बंद कर दो। कैसे बंद कर दे, हम तो काम तो करेंगे ही, दिखाएंगे कि नंगापन मत दिखाओ हैं, क्योंकि तुम नंगापन देख के ही लाखों रुपया पैसा देते हो फिर फिल्म चलती है, क्यों नहीं दिखाएंगे, क्या हमें क्या है, जैसे हमारा ऐसा हाथ हमको जैसा इतना क्या फर्क पड़ता है। वस्तुता ऐसा है भी ना, अपने नग्न दिगंबर मुनिराज ऐसे बैठ जाते हैं और सारी समाज देखती रहती है, किसी को क्या होता, कुछ नहीं। अब उसको इतना 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 दिखाने में, इतने कम ज्यादा में, और इतने लाखों रुपया बरस जाते हैं, तो वे क्यों नहीं करेंगे, छिपाएंगे भी दिखाएंगे भी दिखाएंगे भी। तो वे कहते विशेषणा पैदा करें, और यानी तुम जान बूझ करके विशेषणा पैदा कराना चाहते हो। तो यदि देखो कितना बढ़िया, स्वभाव से उत्पन्न विधि विधि पुण्य यदि विद्यमान है तो वे सभी सुरलोक में विशेषणा पैदा करें। क्या करें, आगे विशेषणा पैदा करेंगे, और विशेषणा उससे दुख हो, दुख होगा नहीं, विशेषणा स्वयं दुख स्वरूप है। क्या क्या विशेषणा पैदा होगी, फिर हम पांच इंद्रिय के विषय भोगेंगे, फिर उससे हमें दुख होगा, फिर पाप बंधेगा, फिर अगले भव में दुख मिलेगा। धोखे में मत रहना, अगले भव में तो जो होना है सो होना ही है, लेकिन इसी भव में जिसको तुम प्राप्त करने के लिए इतने तरस रहे हो, वो अंदर में जो तड़फन पैदा हुई है वो क्या है, उसी का नाम तो विशेषणा है ना। इसलिए पुण्य के उदय से यदि कुछ है भी मिलता भी है, ऐसा मान लो ये संयोग मिलते भी हैं, तो वे भी हमें दुख के गड्ढे में ही डालते हैं, हमें पाप के काम में ही प्रवृत्त करते हैं, इसलिए उनकी कोई उपयोगिता नहीं। और नहीं तो सीधा सच्चा हिसाब है, फिर पुण्य का बंद होता है, फिर पुण्य के बंद से वो बंद जाता है, सत्ता में आ जाता है, फिर उदय में आता है, तो उसे फिर वही भोग सामग्री मिलती है, फिर उसे भोगते हैं तो पाप बंद होता है। तो वो हमको कहाँ ले जाता है, वो विशेषणा पैदा करे, माने वो पुण्य का उदय जिसके लिए तुम इतना तरसते हो और दूसरों के लिए ये बातें करते हो, वो पुण्य का उदय हमें वहां लौट के पाप में ही ले जाता है। जितने भी जीव मोक्ष में गए हैं तो उनके भी बीच बीच में पुण्य आया है ना, ऐसा तो कोई मोक्ष चला नहीं गया कि सीधा नरक से मोक्ष में चला गया, ऐसा भी नहीं हुआ कि एकदम मैं पुण्यहीन हो, खाने को नहीं हो और फिर वो चला गया हो, ऐसा नहीं। ऐसा भी कई लोग ऐसे भी बन जाते हैं, पेट भरने के लिए ही बन जाते हैं, तभी मोक्ष थोड़ी चले जाते हैं, वे तो उनको और बदनाम करते हैं। जो ऐसे बन जाएंगे जो असली साधु संतों को भी बदनाम करेंगे कि नहीं करेंगे,
कि उन्हें वो उपलब्ध हो जाती है। मेरे कहने का मतलब ये है कि भोगना किसी भी कीमत पर वो रास्ता सही नहीं है। देखो लिखा इसमें पढ़ता हूं मैं, निरंतर सामने रखने वाली भोजन भोग सामग्री विशेषणा तो पैदा करती ही है, साथ में उसे निरंतर सामने रखने की भावना रखना कि मेरे सामने रहे उपलब्ध है ना, और उसके लिए व्यवस्था जुटाना भी तो यही सिद्ध करता है कि हम उसे निरंतर भोगना चाहते हैं। वो जंगल में बगीचा बनाते हैं, हर बगीचा में तो अब जाना पड़ेगा ना, 4 किलोमीटर दूर जंगल में बनाएंगे तो कहते कि नहीं नहीं फिर जब बगीचा के बीच में एक बहुत बढ़िया राजमहल बनाते हैं, फिर बगीचे में बहुत मच्छर होते हैं तो राजमहल को चारों तरफ से पैक करके बंद कर देते हैं। हम हमारे तीर्थ क्षेत्र हैं ये सब जंगल में है, भगवान जंगल से मोक्ष गए ना, जंगल में है। अब हम हमारे पास थोड़ी समृद्धि आई है सोचना, तो हमने बस उन सब तीर्थ क्षेत्रों को भोग भूमि बनाना शुरू कर दिया। हाँ सब ऐसे ऐसे बढ़िया कमरे, एयर कंडीशन, सब तरह की अब की सुविधाएं, वहां भी डाइनिंग टेबलें, वहां सब क्यों बोलू, तुम लोग शादी वादी जाते हो करते हो तो एक थाली 500 रुपए की 1000 रुपए की उसमें क्या होता है, और 1000 रुपए का कुछ माल होता है, पर वो चांदी की थाली बैठने की वह टेबल, अब इनको एक दिन का खाना खाना है तो वहां भी टेबल चाहिए कुर्सी चाहिए, जो अभी तो जाएगा घर में एक दिन को रखी थी सारी जिंदगी बैठ के खाएंगी उस पर क्यों, अब इसे रेल में जाते हैं तो रेल में भी चाहिए, रेल में भी ऐसी बना दो तुम्हारे टेबल कुर्सी चाहिए है ना, तुम जहां जाने वहां जाने, यहाँ ना ये बड़े सेठिया होते हैं हर तीर्थ पर अपना एक बंगला बना लेते हैं, अब बंगला जब जाते हैं तो वे सब गंदे गंदे पड़े रहते हैं तो हर एक पे एक 12 वासी नौकर रख देते हैं तो वे रोज इन्हें सफाई करता रहा, आए सेठ जी कभी आए तो आए, नहीं आए तो नहीं आए, सेठ जी को जाने की फुर्सत नहीं मिलती है। यानी हम ये सारी भोग सामग्रियां हम जहां खड़े हों हमारा जहां मोह हो वहां आना चाहिए, हम उधर को नहीं चले जाए, थोड़े हम यहां से उठ के वहां तक वो हमको पसंद नहीं है, हमको यहीं से हमको हर चीज हम भोग सामग्री ले लें, अब भोग सकते नहीं, भोगने की शक्ति रहती नहीं है। देखो इस प्रकार वह भोग सामग्री न केवल भोगने के भाव का निमित्त कारण है अपितु भोगने की तीव्र आकांक्षा का परिणाम भी है, प्रतीक भी है, अंतर की भोगांक्षा को उजागर भी करती है। नहीं आए समझ में क्या, हम किसी के घर में जाते हैं ना, बड़े बड़े करोड़पति और जी बड़े बड़े बंगले सेठिया वाले, तो उनके जो वो बैठने की जगह होती क्या बोलते हैं उसे, डाइनिंग रूम क्या बोलते हैं, डाइनिंग तो खाने वाले को बोलते हैं, ड्रॉइंग रूम, अब तो मेरे शब्द ही नहीं आते मेरे को, तो ड्रॉइंग रूम में वो नंगी नंगी औरतों की फोटो रखे होंगे, वो सरसेठ हुकुमचंद ने तो अपने पूरे बंगले के चारों तरफ वो ऐसी कहीं से आती होंगी उस जमाने में, जो महिलाएं लाला करके वो पेरिस से कहां से और वे खड़ी कर दी, बिल्कुल आदम कद बिल्कुल नंगी औरतें, उसका नाम रखा इंद्र भवन, इंद्र भवन में ऐसी देवांगनाएं होती है। मैं तो सच कहता हूं मैं करीब 8-9 वर्ष की उम्र में गया था और सबसे पहले मैंने वो देखी, उस दिन से ही मैं हुकुमचंद शेठ का इतना निंदक हो गया था कि गालियां बकता था, और कब तक, जब तक उनकी मृत्यु हो गई और उसके बाद गांव-गांव में उनकी शोक सभाएं मिल नहीं थी, वे तो इंदौर में मरे थे और मैं था अशोक नगर में, तो वहां शोक सभा मनाई जैन समाज ने, अब उनको क्या लेना जाना था, उनको उन्होंने कहा वो पुण्य से इतने प्रभावित होते हैं,
शोक सभा मनाई तो मैंने उन लोगों से कहा था कि तुम इस सटोरियों की शोक सभा क्यों मना रहे हो, क्या है क्या सट्टा करता था, सट्टे की कमाई थी सब, ऐसा बोला था मैंने सोगानी, तुम सोच नहीं सकते हो कि ऐसी भोग सामग्री ऐसी खड़ी कर दी, किसी की हिम्मत ही नहीं है। आज उनकी उनकी भी दुर्दशा हो रही है, उनको भी संभालने वाला कोई नहीं है, परिवार तो बहुत बड़ा होगा उनका, और मैं ये नहीं कहता हूं कि मेरे घर में खाने को नहीं रहा है, लेकिन कम से कम उनका वहां उसको संभालने वाला कोई नहीं है। कहके इतनी इतनी चीजें हमने खड़ी कर ली, यहां यही बात यहां कही गई है कि यदि इंद्रादि दुखी नहीं होते तो वे अति गृद्धता पूर्वक विषयों में निरंतर क्यों रमते। इन गाथाओं का भाव अमृतचंद्र तत्व प्रदीप का टीका में इस प्रकार स्पष्ट करते हैं, इंद्र और चक्रवर्ती अपनी इच्छानुसार प्राप्त भोगों के द्वारा सूर्यराज को पुष्ट करते हुए जिस प्रकार जोंक दूषित रक्त में अत्यंत आसक्त बरतती हुई सुखी जैसी भासित होती है, ये जानते हो तुम जोंक क्या होती है, पानी में होता है एक कीड़ा, और जब पानी में लोग नहाते हैं ना तो वो जहां पर कोई बीमारी होती है, खाद और दाद और क्या क्या बीमारियां होती हैं, ऐसी होती है चमड़ी की बीमारियां गांव के लोगों को बहुत होती है, क्योंकि सफाई वफाई ज्यादा नहीं करते हैं, तो वो उस गंदे खून में ही जाके चिबड़ जाती है, और वो जब इतनी जोर से चिबड़ती है कि उसको तुम निकालो निकाल नहीं सकता कोई, तो उसे संसी से पकड़ के ऐसा करके खींच के निकालें तो वो खुद ही मर जाती है, लेकिन वो अंत तक चेटती रहती है, लेकिन कोई नहीं निकाले तो वो गंदा खून पीती रहती है। कई तो डॉक्टर लोग इलाज करते हैं क्या कि गंदा खून कैसे निकालें, उसका नेचर है कि गंदे ही खून को पीती है, अच्छे खून को नहीं पीती, तो उसको लाते हैं और उसे अपने आप ऐसा चेटाते हैं उस पर कि जिससे वो गंदा खून पी ले, गंदा खून खत्म हो जाएगा तो छोड़ के अलग हो जाएगा। वो कितना पीती है मालूम, कि पीते पीते उसका पेट फट जाता है और मर जाती है, लेकिन वो पीना नहीं छोड़ती। अजो क्या लिखा है, कहाँ था वो, इंद्र और चक्रवर्ती अपनी इच्छानुसार प्राप्त भोगों के द्वारा शरीर को पुष्ट करते हुए जिस प्रकार जोंक दूषित रक्त में अत्यंत आसक्त बरतती हुई सुखी जैसी भासित होती, दुनिया को लगता है कि बस अब तो खूब दूध मिल गया, उसको खून भर पेट पी ले, देखो एकदम पेट फूल गया ना, सुखी जैसी भासित होती है। तो जी ऐसे जो भोगों को भोगने वाले हैं ये ऐसे सुखी हैं कि तुम्हें दूर से सुखी भाषित होते हैं, है ना। उसी प्रकार उन भोगों में अत्यंत आसक्त बरतते हुए इंद्र और चक्रवर्ती, ये सब एक भवतारी होते हैं, छायक सम्यक दृष्टि होते हैं अधिकांश, सबकी बात नहीं कहता हूं मैं, लेकिन उनने वो उदाहरण दो ही लिए, सुखी जैसे भासित होते हैं, इसलिए शुभोपयोग जन्य पुण्य दिखाई देते हैं। देखो वे सुखी जैसे लगते हैं ना, इसलिए शुभोपयोग से जो पुण्य आता है वो तुम्हें पुण्य 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 क्यों दिखाई देते हैं, पुण्य बहुत महान है, चमचमाते हुए झमझमाते हुए कैसे दिखाई देते हैं, है ना। ये जो इधर इधर ये लगा दिए ना, ये बहुत लगना थी, जो भी इससे अपनों को थोड़ा सा आनंद आ रहा है, क्या हो रहा है, थोड़ी इनसे गर्मी लगती होगी, थोड़ी सर्दी लगती होती,
थोड़ा मजा आता होगा ना, माने ये नहीं होते इसमें बिल्कुल, और अपने को जितनी हवा चाहिए उतनी हवा होती शांति से, और बिल्कुल सिंपल होता तो कुछ तकलीफ ज्यादा होती। मैं तो कई दफे इस सभा में कह चुका कि हम तो बहुत अच्छा था हमारा हॉल, अब तो कहने नहीं, नहीं बढ़िया बना दो बढ़िया बना दो। आप तो ज्यादा चुप रही हो, आप तो चुप रहो दादा, हमको चुप ही चुप करते रहे लोग। अच्छा अच्छा बना बना कर बना दिया। मैं कहा तुम जितना अच्छा बनाओगे बनाओगे, लेकिन जब तुम बनाओगे उतना दिनों की धूल तो हमें खाने पड़ेगी। वो तो धूल उड़ती है, हल्ला गुल्ला होता है, मशीन चलती है, कर 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 होती है, रात की नींद डिस्टर्ब करती है, वो तो हमें करनी पड़ेगी। अब मुझको तो ऐसा कुछ लगता ही नहीं है, इसमें कुछ बहुत बड़ा वो हो गया है, क्या हो गया उसमें, इसमें क्या फर्क हो गया कि सर ये फिर खंबे काट लो। अरे ये तो हॉल गिरने की संभावना थी इसलिए हमने लगाए थे क्या, और खंभों के लिए कोई पैसा नहीं देता था इसलिए भगवान खड़े किए थे कि भगवान के लिए पैसा देते हैं तो उनके लिए खंभे भी खड़े हो जाते हैं। सच्ची बात है, जो गद्दी पे कह रहा हूँ प्रयोजन हो रहा है, कैसे बन रहा है, टीवी पे जाएगा सारी दुनिया देखेगी तो मुझे क्या है। मैं तो सबसे ही कहता हूँ, अपने यहाँ नहीं कह रहा हूँ, देवदाली में भी कहता हूँ, दिल्ली जहाँ भी प्रयोजन करने जाता हूँ, अमेरिका में, सब जगह कहता हूँ, मेरे लिए कोई छुपी हुई चीज नहीं है। सचमुच मेरी समझ में नहीं आता है। इसमें भी आचार्य भी यही कह रहे हैं कि उनकी समझ में नहीं आता। देखो इंद्र चक्रवर्ती सुखी जैसे भाषित होते हैं इसलिए शुभोपयोग जन्य पुण्य दिखाई देते हैं। तात्पर्य यह है कि इंद्रादि को देखकर यह तो प्रतीत होता ही है कि पुण्य का अस्तित्व है। अभी तो पुण्य की सत्ता स्वीकार कर रहे कि पुण्य भी है। इस प्रकार शुभोपयोग परिणाम जन्य अनेक प्रकार के पुण्य विद्यमान हैं। शुभोपयोग है और उससे पुण्य का बंध होता है, वे उदय में आते हैं। यदि यह स्वीकार किया है तो अब उसमें फिर यदि लगा दी, यानी वो पुण्य विद्यमान हैं, इतनी बात कह करके अब खत्म करो ना किस्सा, कि नहीं फिर यदि लगा रहे हैं। यदि देवों तक के संसारियों को विषय तृष्णा अवश्य उत्पन्न करते, लेकिन भी सारे पुण्य पंचेंद्री के विषय भोगने की तृष्णा पैदा करते हैं। ये जितनी भी सजावट है, चाहे वो अपने शरीर की हो, चाहे अपने मकान की हो, चाहे अपने कमरे की हो, चाहे अपने हॉल की हो, चाहे अपने नगर की हो, मैं नीचे से ऊपर इतना होता है कि अभी लोग कहेंगे कि ये बुढ़े हो गए, अभी इनमें 80 वर्ष के हैं, ये क्या करते हैं, तो हम ये तो आप खुद तो सज नहीं सकते हैं, तो हम इसी सजा सकते हैं क्या। हम अपनी सजावट की वो है ना अंदर से, तो हम अपने पोते को सजाते हैं, बढ़िया बढ़िया ऐसे कपड़े लगा करके उसे पहनाते हैं, उनका खड़े होकर बाहर पास सामने देखते हैं। मतलब कहने का मतलब ये है कि अब वो पहन नहीं सकते हैं, हम वो भोग भोग नहीं सकते हैं, तो वो अपनी इच्छा को हम कहीं निकाल के भगवान के मंदिरों को सजाते हैं, सोने से सजा देते हैं भगवान को। क्यों, अभी अपन नहीं है ना, ज्यादा नहीं कर, इतनी छोटी सी जगह उसको भी सोना सोना से मरमरा दिया है। स्फटिक की मूर्ति मैं जाता हूँ, मुझे अच्छा लगता है, मन भी लगता है, मैं थोड़ा खड़ा भी रहता हूँ वहाँ, लेकिन मैं आखिर में सोचता हूँ ताला लगा चाबी लगा ताली। हमारे पुराने लोग कितने अच्छे थे, पत्थर की मूर्ति, पत्थर का मुकुट, पत्थर का छत्र, पत्थर का चमर, सब चीज पत्थर की, क्या करेगा कोई, क्या ले आएगा, सोने का लगाने की क्या जरूरत है, बोलिए। देखो इस प्रकार शुभोपयोग परिणाम जन्य अनेक प्रकार के पुण्य विद्यमान हैं, यदि यह स्वीकार किया है तो पुण्य देवों तक के समस्त संसारियों को, अभी समस्त संसारी कह रहा है ना, तो देवों तक के मतलब सर्वासिद्धि के देव है ना, क्यों वहां तक बड़े लोगों तक ले जा रहा है ना,
दिशा तृष्णा अवश्य उत्पन्न करते हैं, यह भी स्वीकार करना होगा कि पुण्य है तो तुम्हें पांच इंद्रिय के विषय की तृष्णा पैदा नहीं करेंगे, ऐसा मत समझना। क्योंकि जिस प्रकार तृष्णा के बिना जोंक को दूषित रक्त में प्रवृत्ति करते नहीं देखा जाता, उसी प्रकार तृष्णा के बिना समस्त संसारियों को विषयों में प्रवृत्ति करते दिखाई नहीं देना चाहिए। किंतु संसारियों की विषयों में प्रवृत्ति तो दिखाई देती है, इसलिए पुण्यों की तृष्णायतनता अबाधित ही है। क्या उनकी सत्ता सिद्ध की तो उनकी क्या थी कि तृष्णाय, क्या तृष्णायतनता, तृष्णा उत्पन्न करने पना है ना, ये अबाधित है, इसमें कोई बाधा नहीं है। तात्पर्य यह है पुण्य तृष्णा के घर हैं, यह बात सहज ही सिद्ध होती है। फिर इसमें वही बात द्वारा लिखी है ना, अपन चाहें तो इसे पढ़ सकते हैं, चाहे आप चाहो तो घर पे पढ़ लेना। इनमें से बहुत सी बातें तो मैंने कह दिया है आपको। देखो मरण पर्यंत से आशय मरते दम तक नहीं है, क्या लिखा मिला तुम्हें, वो जोंक की बात चल रही है, अपितु मौत की कीमत पर है। क्या मरते दम तक माने अगले बुढ़े हो जाएंगे जब तक खाते रहेंगे, नहीं अभी भी डॉक्टर कहते हैं कि तुमको नमक नहीं खाना चाहिए, तुम्हारी क्या वो ब्लड प्रेशर है वो खतरनाक है बहुत, नमक नहीं खाना चाहिए, चीनी नहीं खाना चाहिए, नहीं तो डायबिटीज बढ़ जाएगी, ठीक हो जाएगा। तो क्या खाएं, मर जाएं, भूखो मर जाएं, मरना तो एक दिन है ही, इसलिए बार है भावना माने वाला तो ये है क्या मरना तो है ही, यानी वो अपने उस भाव को कि मैं मरण की कीमत पे भी खाऊंगा, उस धर्म का वो चोला पहनाता है उन्हें परवाही के लिए। उन्होंने कहा जी मर जाऊंगा तो मर जाऊंगा, हम भी मर जाएंगे तब शोक सभा करेंगे उसमें सुनाएंगे, उन्हें कभी परवाह नहीं करी, उन्हें खूब चीनी खाई उन्हें तो खूब नमक खाया, मरेंगे तो मर जाएंगे, उन्हें उन्हें कोई फिक्र नहीं थी मरने की, जैसे मौत से भी डरते नहीं थे ऐसा नहीं, उनको तो विषयों की इतनी तीव्र इच्छा थी कि हर कीमत पे उन्हें वो चाहिए। निकाह दबे मैंने कहा था, मेरे सगे बहनोई थे, फूआ की लड़की दी थी उनको सगे, और वो बहुत क्रियाकांडी थे, एक मुनिराज का जैसा थी, मुनिराज को आहार कराना आसान है, उनका भोजन कराना आसान नहीं था, आप सोच नहीं सकते थे। लेकिन उनको जो अमरूद होता है ना, अमरूद समझते हो, जाम जाम क्या बोलते हो, उस वो खाते थे तो उनको सारा शरीर फूल जाता था, ये हो जाती थी एलर्जी एकदम, तो भी वो साल में एक बार खाते ही थे, उनके रहा नहीं जाता था। इतने में धर्मात्मा, इतनी त्याग वृत्ति वाले, इतने वो अपने हाथ से, घर वाला तो कोई लाने नहीं देगा, लाके उन्हें कोई देगा नहीं, खाने नहीं देगा, खाएंगे तो हाथ में से छीन लेगा, समझ आई ना, लेकिन अपने पास से जाएंगे, अपने हाथ से खरीदेंगे, अपने हाथ से बना के अपने हाथ से खाएंगे, फिर फूल जाएंगे। देखो दूसरों की बात को सुन के हंसने से कोई ज्यादा फायदा नहीं है, अपनी वृत्तियों में भी देखना, कई चीजें आपको रोजाना सुबह से शाम तक अपने वृत्ति में ऐसा दिखेगा कि बिल्कुल स्पष्ट रूप से वो चीज हमको नुकसानदायक दिखाई दे रही है, क्या है ना, फिर भी जो होगा सो देखा जाएगा। समझ, हमको जाकर के क्लास में बैठना चाहिए, नहीं जाएंगे तो शांति जी खड़ा कर देंगे, बेंच पे खड़ा कर देंगे, सब पता है निकाल देंगे, ये कर देंगे ये कर देंगे, फिर भी क्या जानते जानते हुए करते हैं कि नहीं, फिर भोगते हैं, फिर माफी मांगते हैं, फिर ये करते हैं, हमारे पास आते हैं, फिर हम ठीक है छोड़ो भाई शांति जी एकदम छोड़ो, फिर से
मतलब सब चक्रवर्ती है, सचमुच बात है ये कह रहा हूं मैं आपको, मैं तो हंस कर कहने की आदत है, समझे ना, लेकिन फैक्ट ये है। देखो ना, अभी पढ़ रहा था ना, कीमत पर जैसे खाना खा रहे हो और पेट भर जाए फिर भी लड्डू खाना नहीं छोड़ते, मरण पर्यंत से तात्पर्य यह है कि जीवन के अंतिम समय तक पंचेंद्रिय के विषयों को भोगना चाहते हैं, लेकिन रोजाना मरण पर्यंत का क्या अर्थ होगा, वो तो हो गया अंत तक, अर्थात तो जब तक भाव जीवित है पेट नहीं भर गया है, अपना भाव मरण भाव नहीं मर गया है जब तक, तब अब और अंदर नहीं जाता तब तक यह खाता रहता है। एक ऐसे व्यक्ति को मैंने देखा है कि बाजार में चाट वगैरह खाता था, ये भी बहुत नजदीक कही था मेरा, जब उसका पेट भर के जाता था तो वह मुंह में उंगलियां डालकर वोमिटिंग उल्टी करता था करके, और फिर चाट कचौड़ी पकौड़ी खाता था। अब सब नाम मेरे ख्याल में आ रहे हैं लेकिन मैं बताना नहीं चाहता हूँ, क्यों परमात्मा अभी वो है कि जिंदा है कि गए। तुमने सुना कभी ऐसा, क्योंकि पेट खाली करना है, नहीं तो बाजार में खड़े हैं उसे खरीद के खाई और खाकर फिर वही उल्टी की मुंह में गले में अमूली डाल डाल करके और फिर खाई है ना। अब इतना बढ़िया उदाहरण मेरे सामने देखने को मिला तो मैं लिखूं नहीं अपनी किताब में। पचास बीमारियां हैं, डायबिटीज है, फिर भी इसे मिश्री मावा चाहिए, यह कहता है कि देख लूंगा ज्यादा होगा तो दो इंजेक्शन और लगवा लूंगा। इस प्रकार प्राणी मरण पर्यंत अर्थात मृत्यु की कीमत पर भी इन विषयों को भोगते हैं, वास्तव में यह दुखी दुख है, दुखी है सुख नहीं। पर ये मैं वो जोंक की भांति, आचार्य का शब्द है ना, तो मैं उसी का अर्थ कर रहा हूं, मैं अपनी बात नहीं कह रहा हूं, उस बात को समझाने की मेरी ड्यूटी है कि नहीं, जब तक गले ना उतर जाए तब तक है। देखो इन गाथाओं में और उनकी टीका में गंदे खून पीने वाली जोंक का उदाहरण देकर यह समझाया गया है कि पंचेंद्रियों को निरंतर भोगने वाले इंद्र और चक्रवर्ती भी दुखी ही हैं। इससे यह सिद्ध होता है कि यद्यपि जगत में पुण्य की सत्ता है किंतु पुण्य वाले भी सुखी नहीं हैं। वस्तुतः बात यह है कि सच्चा सुख तो आत्मा में ही है, आत्मा के आश्रय से ही प्राप्त होता है। आत्मा का आश्रय रूप धर्म शुद्ध परिणति और शुद्धोपयोग रूप है, स्वभाव रूप नहीं है, ये बताना वास्तविक उद्देश्य है ना। अंदर मैं भी बाहर ही कह रहा था कि ये सब बातें हमको सब अब समझ तो आ गई, यदि मैं कल ही ये फिर कहूंगा तो कहेंगे कल क्यों दादा, कल हो गया था, कल हो गया था, लेकिन हमारी वृत्ति में अंतर नहीं आता। वृत्तियां वैसी की वैसी बनी रहती हैं, उनमें सुख बुद्धि वैसी की वैसी बनी रहती है, आदतें वैसी की वैसी बनी रहती हैं। अपने यहाँ शास्त्रों में एक अनिष्ट नाम का अवक्षय तुमने पढ़ा होगा बाल बोध पढ़ने वाला हूँ, कि जो स्वास्थ्य के विरुद्ध हो उसे खाना, जैसे आलू खाना पाप है ना, मांस मदरा खाना पाप है ना, ऐसा पाप है अवक्षय नाम का वो है, हैं? लेकिन हम कोई किसी बात की कोई परवाह नहीं करता है ना, और बराबर इसमें तो कोई को कहता ही नहीं उसमें क्या है, उसमें क्या है, ऐसा करता रहता है। शुभ भाव पुण्य बंध का कारण है और पुण्योदय से पंचेंद्रियों के विषयों की उपलब्धि होती है। विषयों का भोग दुख रूप होने से सुखी से दिखने वाले भोगी जन वस्तुतः दुखी ही हैं। यह बात इन गाथाओं में स्पष्ट की गई है। जिनके पाप का उदय है वे ही दुखी हैं, यह तो सारा जगत कहता है, किंतु यहाँ तो यह कहा जा रहा है कि जिनके पुण्य का उदय विद्यमान है वे भी सुखी नहीं हैं, दुखी ही हैं, क्योंकि वे विषयों में रमे हैं, दुख के बिना विषयों की रमणता संभव नहीं है। अब ये कल अपन 75वीं गाथा पढ़ता है।